ये है दिल्ली दर्पण। प्रूडेंस और प्रेसिडियम विवाद में जो नया मोड़ आने की बात थी, उस पर प्रूडेंस के चेयरमैन जीएस मठारू ने प्रूडेंस का पक्ष साफ किया है और कहा है कि अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको याद दिलाते चलें कि शिक्षा निदेशालय ने अशोक विहार और द्वारका में स्थित प्रूडेंस के तीनों स्कूलों का नाम ना बदलने का निर्देश देते हुए कहा था कि वो स्कूलों के नाम फिर से प्रेसिडियम कर दें। लेकिन अब प्रूडेंस के चेयरमैन जीएस मठारू ने इस आदेश से परेशान हुए पेरेंट्स के डर को दूर किया है। सुनिए इस पूरे मामले पर जीएस मठारू ने क्या कहा। स्कूल्स को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्निंग बॉडी एंड द मैनेजमेंट कमेटी एंड ए रेजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड वाज पास्ड by the governing body and was duly sent to Delhi government for the approval for the change of name. ये एक रूटीन होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल्स के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है। उन्होंने एक हमें लेटर ये भेजा कि टिल अप्रूवल इज गिवन बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यू मे चेंज द नेम एंड कंटिन्यू विद द प्रेसिडियम। इस लेटर का रिप्लाई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया एंड दे आर रिकन्सिडरिंग आवर प्रपोजल फॉर चेंजिंग ऑफ द नाम टू प्रेजेंट और शॉर्टली हमें इसकी अप्रूवल आ जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने लिख के दिया, सारे रीजन्स दिए हैं कि क्यों हमने नाम चेंज किया था और अगर हम इस नाम को वापस करते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी। तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्कूल्स विच आई हैव गिवन द रिप्लाई, तो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम तो विल गेट द अप्रूवल। नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यूनानिमस रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट कमेटी की अप्रूवल आनी चाहिए, गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं, वो सब फॉर्मेलिटीज कर दी गई हैं। गवर्नमेंट को नेम चेंज करने में भी आई डोंट थिंक देर इज एनी प्रॉब्लम। इशू इज दैट के जो प्रेसिडेंट ने स्कीम्स में कुछ पेरेंट्स से पैसे लिए स्कीम्स में, उनको शायद वो प्रॉब्लम आ रही है। वो हमने एक उनको एक कम्युनिकेशन दे दिया है कि हम उन बच्चों को जो इन तीन स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मोर ओवर जो तीन स्कूलों पे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं रिलेटिंग टू दिस पीआरएस स्कीम्स, वो भी प्रूडेंस टेक ओवर करेगा, देन वी विल टेक अप दिस मैटर विद प्रेसिडियम। तो पेरेंट्स के लिए अब कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की आई थिंक जो उनकी मेन इशू था कि जो प्रेसिडियम ने लाइबिलिटी खड़ी की हुई है, वो तो मैंने उनका रिप्लाई उनको दे दिया। पेरेंट्स को इसके अंदर कोई चिंता करने का विषय नहीं है और स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है। 99.9% पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड। मैं राउंड अबाउट 4-5 हज़ार पेरेंट्स से मिला हूँ पिछले एक महीने में, तो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, स्टाफ इज़ वेरी हैप्पी। यू नो सेवन्थ पे कमीशन हमने लागू कर दिया, स्टाफ को सेटिस्फेक्शन लेवल उनका बहुत अच्छा है। पहले लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी 2-2, 3-3 महीने, उनको टाइम से सैलरीज मिल रही हैं। मोर ओवर अब 1 फरवरी से हमारी जितनी भी बसेज हैं उसके अंदर GPS सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी एकेडमीज़, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है। उसके लिए मैं बाउंड हूँ और उसके लिए मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मैंने लोगों से और पेरेंट्स से कमिट किए हैं। और मैं यहाँ, हम एजुकेशन बिजनेस में नहीं है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एक हमने एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसके अंदर रिनॉन्ड एजुकेशनिस्ट हैं। यहाँ पर अब जो भी काम होगा वो बच्चों के फेवर के लिए होगा, पेरेंट्स की भलाई के लिए होगा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे तरह से पढ़ें और उनका अच्छा एक नाम हो। अब ये देखिए, जैसे स्कूल के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब हमने इन तीन स्कूल्स के अंदर एम्बुलेंस खड़ी कर दी, एम्बुलेंस रहेंगी, हॉस्पिटल्स अटैच कर दिए, क्वालिफाइड डॉक्टर विल बी देयर। नहीं चाहता किसी बच्चे को चोट लगे, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अब हमें इमीडिएटली बच्चे को हम ले जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है कि उनके बच्चे अब सेफ हैं, सेफ हाथों में हैं। तो इस टाइप से हम स्कूल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर से जो बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है, उनसे 10-15% की रिडक्शन भी आ रही है। फर्स्ट जो नेक्स्ट सेशन के अंदर बुक्स आएंगी वो भी हम कर रहे हैं। एकेडमीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हमने पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं टीचर्स के साथ, तो टीचर्स पेरेंट्स के कंसर्न डेली डिस्कस होते हैं और पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं। आप देखिए हमारे फेसबुक पे और हमारी वेबसाइट के ऊपर पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। जो मेरे राइट्स हैं और जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बता दिया और क्यों ये नाम चेंज होता है ये भी बता दिया, रीजंस भी मैंने उनको दे दिए। तो मेरे हिसाब से जल्दी नाम हमारा अप्रूव होकर आ जाएगा, इसके अंदर पेरेंट्स को या किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ
और आप देखेंगे दो साल आफ्टर टू इयर्स यू विल सी द रिजल्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर